चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से एक खबर है जहां कांग्रेस कैंडिडेट्स बदल सकते हैं, एमपी की 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। आमला, सुमावली, पिपरिया, सुचालपुर, जावरा में ये बदलाव संभव है। बता दें कई सीटों पर लगातार विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इन सीटों पर कैंडिडेट्स बदले जा सकते हैं। 28 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि प्रत्याशी के नाम बदलने पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है और उसके बाद घोषणा भी संभव है। पहले भी कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशी बदले थे और अब 5 सीटों पर फिर से कैंडिडेट्स बदल सकती है कांग्रेस। आमला, सुमावली, पिपरिया, सुचालपुर, जावरा में बदलाव संभव है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें जहां कांग्रेस कैंडिडेट्स बदल सकती है। रणनीति में बदलाव कांग्रेस पार्टी कर सकती है। 5 सीटें ऐसी है जहां पर बदलाव संभव है। आमला, सुमावली, पिपरिया, सुजालपुर, जावरा में बदलाव संभव है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सूरज अमर साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, रणनीति में बदलाव कांग्रेस पार्टी कर सकती है, 5 सीटों पर बदलाव संभव है, क्या माना जाए? विरोध के स्वर के चलते ही अब ये बदलाव होने जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जैसे ही पहली और दूसरी सूची जारी हुई उसके बाद से लगातार विरोध भी हो रहा था। कुछ सीटों पर पार्टी भी ये मान के चल रही है कि यहाँ पर कुछ बदलाव संभव है। खासतौर से आमला की बात हो, जहाँ पर पहले से निशा भंडारे को आश्वासन दिया था, हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं होने के चलते दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया। अब संभावना है कि वहां भी जीत कर सकते हैं। अजब सिंह कुशवाहा, सुमावली से बात करें तो उनके टिकट को लेकर बातचीत चल रही है। इसके अलावा पिपरिया की बात हो, सुजानपुर, जावरा, ये 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर एक तरफ विरोध भी हो रहा है, जिस तरफ पार्टी भी चाहती है कि प्रत्याशियों को बदला जाए। तो अब संभवतः 28 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें अंतिम फैसला होगा कि इन सीटों पर किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाए। पर संभव नहीं है कि कांग्रेस बहुत जल्द, क्योंकि 30 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में 28 तारीख को संभावना है कि बैठक के बाद प्रत्याशियों को बदला शुरू कर। बिल्कुल, बैठक के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या बदलाव कांग्रेस पार्टी करती है और किन को मौका देती है अगर बदलाव होता है 5 सीटों पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए सूरज।